अनुपमा में आगे देखने को मिलेगा कि पार्टी के बीच अंकुश आता है, लेकिन वो साथ में अपने नाजायज बेटे रोमिल को भी लेकर आता है। अंकुश के बेटे को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी ओर बरखा का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो अंकुश के बेटे को अपनाने से साफ इनकार कर देती है, साथ ही उसे कपड़िया उससे दूर रहने के लिए कहती है। बरखा अंकुश पर अय्याशी करने का आरोप लगाती है, जिस पर वो जवाब देता है, जब किसी को घर में प्यार न मिले तो उसे बाहर तलाशना ही पड़ता है। अंकुश बरखा को ताने मारता है, जिस पर बरखा उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। इन सबके बीच बरखा अनुपमा को घसीटती है और कहती है कि तुमने तो वनराज का नाजायज रिश्ता नहीं अपनाया था, तो मैं इस बच्चे को कैसे अपना लूँ। वो अनुपमा से सवाल करती है कि अगर ये नाजायज बच्चा अंकुश का न होकर अनुज का होता तो क्या तुम इसे अपनाती। बरखा की बातें सुनकर अनुपमा स्तंभ हो जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। शो में आगे देखने को मिलेगा कि वनराज बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि बरखा को इस नाजायज बच्चे को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि जब बच्चा तुम्हारा नहीं तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी नहीं। वनराज की बातों से काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि वनराज को सब कुछ पता चल चुका है।